हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग अब निकलने वाले हैं। मिर्ची ले, जलेबी दिया दी। और यहाँ पर दीदी तैयार हो रही हैं और सानिया भी। चलो सानिया, फिर मिलेंगे, देखते हैं कब मिलते हैं। एक जगह मिर्ची, एक जगह वो अपने पति देव को सहेज रही है की ये अरे सोनाक्षी बता, जलेबी इमरती तो बोल रही है, ले लो। और आगे वाले हैं बालू साही। मेरा चेहरा पता नहीं क्यों काला काला लग रहा है जी। तो तैयार हो गई हैं, अच्छी लग रही हैं। अच्छी है तो से लंबी लग रही सूट में। हाँ, हम मोटे हो गए ना इसलिए छोटे लग रहे हैं। जो कहे तो जेठानी जेठान तो अम्मी लग रहे हैं। तो गाइस ये सब तैयार हो गए, अब बस निकलने वाले हैं। ये देखिए इधर लग रही है दो बच्चे की माँ। जा बेटी खड़ी हो जा, देखते हैं। जाओ जानिया, तुम भी खड़ी हो जाओ, हम थोड़ा छोटे। ये देखिए कौन कौन किसका बच्चा लग रहा है। हमें तो दोनों लोग दोनों बच्चे ज्यादा लग रहे हैं। सा दीदी एकदम हल्की लग रही है। चलिए टाइम नहीं ज्यादा, मतलब टाइम हो गया है, 7 बज गया है, अब निकलने वाले हैं। अब फिर स्टेशन भी मिलते हैं। भैया भी रास्ते में है इलाहाबाद में। तो यहाँ पति देव सामान जा रहे हैं गाड़ी के अंदर रखने, ये विदाई दे रहे हैं। सब गोलू साथ में दे देंगे। चलिए पानी बोतल रख देना, तो एक बोतल लेके आना साथ में। ऋषभ, चलो ऋषभ जाएगा अपने दिल्ली। अब अंदर चले देखते हैं मेरा घर, आप लोग आज भी देख लीजिए, इसे रोज जेठानी जी की ब्लॉग में आएगा ही। इधर देखिए तैयार होकर, जैसे लग रहा है कि ये जा रही पढ़ने। हम पर्स वर्स लिए ना है क्या? घर पर्स लिए है। सही है। और क्या है ना? हाँ, सोनाक्षी सोनाक्षी जाने का मन कर रहा है? नहीं आज पता नहीं क्यों रोना ही नहीं आ रहा। क्यों रोगे? हंस हंस के जाओ। गोलू तैयार हो देगा। हाँ अंकल ना हवाई मान नहीं है क्या? ऋषभ क्या बोल रहा है? क्या करेगी लाई जाइए बहनी किन्नी क्या जाने कर। बाल झाड़ दे, ऋषभ बोल रहा है मेरा कंघी कर दो। वैसे ऋषभ का कंघी कर देते फिर भी खड़ जाता है। भैया जा रहा है क्या? चलो खुश रहना, पढ़ाना और रहना, जहाँ जाना अच्छे से पढ़ाई करना है। रो रही बेचारी, बेचारी रो रही है। क्या बात है, स्टील का चूल्हा कहाँ पे लिया? इधर इधर बनाएंगे तो कहाँ पे चूल्हा? रो रही बड़ी मम्मी, क्यों रोएंगे? चंदी कुड़ी, चंदी कुड़ी, सब रो रहे हैं, केवल मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ हंस रहा हूँ। नहीं ऋषभ भी नहीं रो रहा है, देखो। क्योंकि मुझे पता है जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है। ट्रेन्स भी चल रहा है दिल्ली, जाओगे फिर आओगे। गोलू को साइकिल चलगी, चल बोलू। तो यहाँ मिलन हो रहा है सानिया से। इस बार नहीं रोना ना। ये देखो ले लो दादी दे रही है। पूरा भरा तो था ना खाली। चलो पिए सर, सब जाने दो। सुनो एक बोतल है बड़ा सा, गिलास लाइए। अरे हो जाएगा सानिया वगैरह। चलो बैठो मैं भर के आता हूँ। ठीक है। यहाँ सोनाक्षी अपने दादी का पैर छू रही है। बुद्धि तेज कर दे भगवान, पापा कभी जाके पढ़। तो यहाँ मम्मी आ गए हैं, जाते जाते हमने भी मम्मी का आशीर्वाद ले लिया। हमारे पति देव पैर छूना ही भूल गए, रास्ते में पहुँचे बोले मम्मी का पैर भी नहीं छू। तो गाइस यहाँ पर मैं पापा का पैर छूती हूँ और पति देव ना हमारे बोल रहे थे कि जब रास्ते में पहुँचे आते रास्ते तो बोल रहे कि मैं मम्मी पापा का पैर छूना भूल गया। हमने कहा कि चलिए अब गलती हो गई है, कोई बात नहीं, गलती का एहसास हो गया। तो हमारी जेठान जी बोली चलिए कोई बात नहीं, अगली बार आना छू लेना। तो हम लोग बोले कि चलिए हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में ना, कुछ ना कुछ ना चीज़ हो जाती। तो सोनाक्षी आ गई, गोलू भी जा रहा है छोड़ने, जाएगा। तो हम लोग इलाहाबाद होली घाट पहुँच गए हैं। अब पति देव गाड़ी खिला कर आए हैं, अभी ये पार्किंग में लगा रहे। ये शीशा नहीं बंद है पीछे का। और चलो आ जाओ, आप लोग को दिखा दे रहे हैं इलाहाबाद धोबी घाट। यहाँ पर ये बिरयानी बहुत फेमस है, आ जाओ ऋषभ। और हम लोग यहीं से खा कर निकलेंगे।
सराची खाती है ना। और सब आओ, इटौन की बिरयानी, इटौन की बिरयानी आओ। देखो पीछे आ जाओ। तो गाइस बने रही ब्लॉग के अंदर। तो यहाँ पति देव, ये हाफ प्लेट है जी, फूल है जी। हाँ तो दो प्लेट लिए हैं। हाँ तो एक प्लेट छोटा अलग अलग सामग्री खाने के लिए ना। पता है 500-600 रुपए का सस्ता है। तभी तो कह रहे आप 300 नहीं 60 रुपए का हम जाने थे अगली बार जब खाए थे 60 रुपए में। तो ऐसा छोटा सा प्लेट मांग ली थी ना अलग खाने के लिए। हाँ वही तो कह रहे। तो सस्ता पड़ा है ना, सस्ता पड़ा है ये वाला ना। हाँ हाफ अलग अलग लेते ज्यादा महंगा पड़ता है। 70-40 हाँ 40 पड़ता है। वहाँ चले जाओ छोटा प्लेट वहीं बैठ के। चलो हाँ आ जाओ वहाँ पर। अरे पैर दुखे है, बैठ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग अब जा रहे हैं बिरयानी खाएंगे। कुर्सी लेके आइए। सब लोग खाने बैठ गए हैं यहाँ पर बिरयानी। तो गाइस हम लोग स्टेशन आ गए हैं, ये हमारी ट्रेन आ गई है आगे। रिश्ता सुना चाहिए। इधर चलो, इधर चलो। और इधर देख सकते हैं एक थैला, एक सूटकेस है, पति देव है। अभी 5 में हमारा ट्रेन है। आराम से इधर आओ, इधर चलो। वो आगे गया अभी 5। चलो चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। 61 हमारा सीट है। खुशी खुशी। तो गाइस हम लोग बैठ गए हैं यहाँ गोलू क्या यहाँ जा रहे हैं घर कैसे जाएंगे। यहाँ रील्स बन रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सो गाइस सुबह के 6 हम पहुँच गए हैं आनंद विहार। और बहुत स्टेशन बहुत काफी भीड़ है, जैसे लग रहा है होली मना मना कर सब लौटे हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग को दिख ही रहा होगा। दिल्ली नोएडा फरीदाबाद दिल्ली। और बस ऑटो लोग बुक कर रहे हैं। अब मैं घर के लिए रवाना हूं। अच्छी पूरी का विराट के पास जाओगे। आइए कितना लेंगे। 50 सॉरी पूरी सब मांग रहे हैं ये सब बोलिए। अरे रे ब्लॉक के अंदर फिर मिलते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। अरे बाप रे ये रहा हमारा रूम। ओह माय गॉड, ताला, यहाँ ताला भी अंदर चाबी है। और यहाँ सुनासी ताला खोल रही है, सांस होने लगता है। देखते हैं। तो गाइस अंदर आ, खोल पापा रहे ना पूरा। अभी इधर दरवाजा खोलते हैं, खुल गया। ओह माय गॉड, कितना बाप रे। देखिए गाइस हौसला बना के रखा हुआ है। ये रहा हमारे घर का कुछ ऐसी दशा। ऋषभ आ गए, मेरे रूम में भी ताला बंद है इधर। चलिए बने रहे ब्लॉक के अंदर, मिलते थोड़ी देर में। तो फैमिली सारा काम हो गया है, सब साफ सफाई हो गया है। और देख सकते हैं किस्तों का भी रूम साफ सफाई कर दिए हैं। सोनाक्षी नहा ली है, पति देव नहीं नहाए हैं, वो अपना ब्लॉग एडिट कर रहे हैं। इधर हमने भी नहा लिया है, सब कुछ साफ सफाई देख रहे हैं, एकदम चमक रहा है। देखिए सब हो गया है, बस कपड़ा धोना है, अभी बाद में धोएंगे। और इधर रूम भी साफ कर दिए हैं अपना भी। देखिए इधर सब साफ सफाई अच्छे से हो गया है। ये सब भी नहा लिया, कपड़ा पहन रहा है, नहीं दिखाएंगे कपड़ा पहन लेकर दिखाएंगे। बस पति देव नहीं नहाए, एकदम अच्छी तरह साफ सफाई कर दी है। जैसे लग रहा है कि गंदा था ही नहीं ये घर। और किचन में हम आ गए हैं चाय बनाने। गैस चल रहा था ना, मैं छोड़ के चाय बन गया है। और जा रहे हैं थोड़ा सा ब्रेड मक्खन सेकेंगे, फिर उसके बाद लंच वगैरह बनाएंगे। पहले सब चाय साय पी लेते हैं गैस, फिर बने रही ब्लॉग के अंदर, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो सो गाइस देख सकते हैं यहाँ हमने ब्रेड सेक दिया है। एक बार नाश्ता कर लेते हैं, ब्रेड चाय साय लेकर। चलो सुनाची पापा कहाँ है, बैठे चिपका ले कबूतर। कबूतर ले, यहीं बैठ कर करे क्या चाय। हाँ ये पियो। नहीं।
हाँ यही प्योर घी लेकर आए गिर सब लोग पीने जा रहे हैं में। चलिए पी लेते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस चाय नाश्ता हो गया है और दोपहर का समय हो गया, थोड़ा समय इतने थके थे कि सो गए थे, सोकर उठे तो बाहर का कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। और मेरा सर्कल देख रहे कैसा लग रहा है, कोई बात नहीं सब सही हो जाएगा। गाँव में जाते हैं तो मेरा सब कुछ बेकार हो जाता, चेहरा वगैरह सब खराब हो जाते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ लंच, दोपहर में बना रहे हैं दाल डाल रखा है मैंने, इधर मैंने छोटे छोटे पत्ते पत्ते आलू काट रखा है पानी छानने के लिए। और यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दिया है, आलू का भुजिया दाल चावल बनाएंगे और जो खाएंगे और दिखाते हैं बच्चे लोग क्या करते हैं। अच्छा सामान सोनाक्षी जो सामान इधर उधर था जो फैला था मतलब ये ऐसा लग रहा है कि मैंने दुकान खोली। तो अब हम लोग लंच करेंगे, लंच करने के बाद थोड़ा आराम करेंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।